Alright friends, now you take, suppose your question number 4 and page number 17. Question number 4, page number 17, ये आपका question book से है. And then question number 4, page number 3.5 is सॉल्यूशन बुक में है. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थोड़े से नए पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें. ओके, इन ए फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 रुपीज पर मशीन आवर्स. इट मीन्स आपका रिकवरी रेट क्या है, 5 रुपीज पर मशीन आवर. द टोटल एक्सपेंसिज इनकर्ड एंड द एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट वर 80,000 एंड 10,000 आवर्स रेस्पेक्टिवली. ओके, of the amount 80,000 rupees 15,000 become payable due to an award of the labor court and 5,000 was in respect of expenses of the previous year booked in the current month. Actual production was 40,000 of which 30,000 units were sold. On analyzing the reason, it was found that 60% of the under absorbed was due to the defective planning and the rest were attributable to the normal cost increase. How would you treat the under absorbed overhead in cost accounts? Okay, पहले देखो friends, वापस वही your factory overhead account, budget and actual. Okay, factory overhead account, your budget and actual. ओके, इन ए फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 रुपीज पर मशीन आवर्स. इट मींस मशीन आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, मशीन आवर्स एक्सपेंस. इन ए फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 रुपीज पर मशीन आवर्स. For machine hours, the total expenses incurred and the actual machine hours for the department for the month of August is 80,000 rupees 80,000 and hours 10,000. First, this is your factory overhead account. It means to bank, how much we are paying? 80,000. And by recovery, recovery is 10,000 into 5 and this comes to 50,000. सही है सुनो, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि डिफरेंस टू बैंक 80,000 एंड बाई रिकवरी इज 50,000. 10,000 आवर्स एक्चुअली वर्किंग एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर आवर. 10,000 hours actually working at the rate of 5 rupees per hour. It means this comes to total 50,000. अब problem क्या है friends? Can we say 30,000 is a under recovery? क्या हम 30,000 को under recovery बोल सकते हैं? Answer is no. Because out of this 80,000 rupees, some of the expenses, some of the expenses are not related to overheads, but you have debited in overhead account. क्या क्या है? एक है आपका award paid to labor court और दूसरा है आपका expenses of the previous year. Previous year का 5,000 का expenses है, वो overhead से related नहीं है. 15,000 का labor court का payment है, वो overhead से related नहीं है. तो 20,000 rupees तो आपने wrongly debit कर दिया. अगर आप ये रॉन्गली डेबिट नहीं करते हो तो रिकवर 50, तो आपका अंडर रिकवरी क्या होता था? ओनली 10,000. आर यू गेटिंग ऑन नोट? इसके लिए हम इस अमाउंट को अंडर रिकवरी नहीं बोल सकते. इसको हम क्या बोलेंगे? इट मींस यहां पे हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? इस इज योर बाय बैलेंस
80,000 and 30,000. सही है, सुनो, बाई बैलेंस बोलेंगे. ओके, अब आप आ जाओ फ्रेंड्स, दिस इज योर बैलेंस. व्हाट इज द बैलेंस? इज 30,000. आउट ऑफ दिस नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड्स एंड बैलेंस जो बचेगा दैट इज योर अंडर रिकवरी. आउट ऑफ दिस 30,000 नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड्स, फर्स्ट इज ए लेबर कोट, लेबर कोट, लेबर कोट, लेबर कोट इज 15,000 एंड प्रीवियस ईयर एक्सपेंस इज 5,000, टोटल 20. इट मीन्स अंडर रिकवरी इज 10. आउट ऑफ दिस व्हाट आर दे सेइंग? आर यू गेटिंग ऑन नोट फ्रेंड्स? टोटल आपका जो बैलेंस है इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस. बैलेंस 30 में से नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड्स, नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड्स, यू कैन नॉट डेबिट इन ओवरहेड. इट मीन्स ये पूरा की पूरा कहां चला जाएगा? इट मीन्स चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट मीन दिस इज योर. अब आउट ऑफ दिस ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव प्लानिंग. इट मीन्स ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग. On analyzing the region, it was found that 60% of the under-absorbed overhead was due to the defective planning. It means 60% of 10,000, it means 6,000. This is again due to defective planning. It means this is your controllable loss. आपकी वजह से loss हुआ, right? Controllable loss, 6,000. It means again charge to costing P&L account and balance is a uncontrollable loss. हमारे control में नहीं है. What? 60% of the under-absorbed overhead was due to the defective planning and the rest were attributable to the normal increase in cost. It means increase in cost. 40% of 10,000 is 4,000 एंड इसका अपन क्या निकालेंगे? सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट. सही है, सुनो फ्रेंड्स, इट मींस योर सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट इक्वल टू योर अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन. अंडर रिकवरी, what is your under recovery? Under recovery is 4,000 divided by actual production. Actual production is 40,000 units. It means 4,000 divided by 40,000 is 10 paise per unit. Out of this units sold and closing stock, units sold 30,000 into 0.10 3,000. Okay, closing stock of finished goods is 10,000
into 0.10 is 1000. This again goes to costing P&L account, and this increase the cost. सही आसान हो गया. एब्सोल्युटली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स? बोलो. पहले वन बाई वन देखो. इन ए फैक्ट्री, आई रिपीट अगेन फ्रेंड्स, इन ए फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 rupees पर मशीन आवर्स. 5 rupees पर मशीन आवर्स. द टोटल एक्सपेंसेज इनकर्ड एंड द एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज 80,000 एंड 10,000. 80,000 एक्सपेंस, 10,000 मशीन आवर्स. Of the amount 80,000, 15,000 become payable due to an award to the labor court and 5,000 was in respect of expenses of the previous year booked in the current month. Actual production 40,000 units, out of which 30,000 units were sold. On analyzing the reason, it was found 60% of the under-absorbed overhead was due to the defective planning and the rest were attributable to the normal cost increase. How would you treat the under absorbed overhead in the cost accounts? It means 80,000 to bank 80,000 by recovery 10,000 to 550,000. What is the balance? Because we cannot say under recovery, because this amount 80,000 includes some of the expenses which are not related to overhead. Overhead se related nahi hai, wo expenses debit kiye to unko apne ko exclude karna padega. It means the total is 30,000. Out of this labor code, previous year expenses total, baki ka jeez under recovery. On analyzing the reason, controllable loss due to the defective planning, 60% of 10,000, 6,000. Then uncontrollable loss, 4,000. Uncontrollable loss, 4,000. And 4,000 say you find out the supplementary recovery rate. What your supplementary recovery rate is a under recovery divided by actual production. This comes to under recovery, actual production, unit sold 30,000 into 0.10, 3,000 charge to costing, P&L costing, finished goods 10,000 into this, increase in the cost. Say yes or no, friends. Now, pass the general entries. What are they asking? How would you treat the under absorbed overhead in cost account? It means, this is your treatment of under recovery in cost records. Costing P&L account debit. पहला costing P&L account debit कौन सा होगा friends? 20,000. Not related to overheads. It means not related to overheads. 20,000. It means 15 plus 5. Say yes or no. Not related to overhead. Then controllable, due to the defective planning. It means due to defective planning. It means costing P&L account debit. Ye aapka due to defective planning 6,000. Due to defective planning is 6,000. Then ये आपका sales हो गया 3,000. It means costing P&L account debit. This is due to cost of sales is 3,000 and बाकी का finished goods stock 1,000 to factory overhead. It means
20 + 6 + 3 + 1 = 30,000. टोटल लॉस 30, टोटल लॉस आपका क्या था 30,000. परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये आपका पहली बार ऐसा आया है कि ये एक्सपेंसेज है. एक्सपेंस मैनेजर बोलेगा सर आपने एक्सपेंसेज नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड है और उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दिया है, तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आपने एक्सपेंसेज नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड है और उनको पीएनएल अकाउंट में डाल दिया है, इट मीन्स आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में चला जाए. आपका क्या हो जाएगा सर? सही आंसर ऑप्शन, परफेक्टली क्लियर होना. ऑलराइट, ये आपका कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट 20,000, 15 + 5 कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट 3,000, फिनिश गुड्स डेबिट 1,000 टू फैक्ट्री ओवर है 30,000, नॉट रिलेटेड टू, ये आपका क्या हो जाएगा ओवर है. सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर नोट. एग्जैक्टली सिमिलर टाइप और एक आपको कराता हूं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव पेज नंबर 17. दिस इज क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3.6 एंड दिस इज योर सॉल्यूशन बुक. एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ 10 रुपीज पर मशीन आवर्स. आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स. एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ 10 रुपीज पर मशीन आवर्स. एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016 and 2017 इट हैज बीन फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड वर It includes as ₹6 lakhs. It included 45,000 on account of return of obsolete stocks stores and 30,000 being the wages paid for the strike period under an award. The production and sales data for the year 2016 and 2017 is as under: production finished goods 20,000, WIP 8,000, 50% complete in all respect. Sales of finished goods 18,000. The actual machine hours worked during the period were 48,000. It has been found that 1/3 of the under-absorbed production overhead was due to the lack of production planning and the rest attributable to the normal increase in cost. You are required to calculate the amount of under absorption of overhead during the year 2016 and 2017. So the accounting treatment of under absorption of production overhead, same exactly similar type question. This is your factory overhead, right? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? ये आपका बजट, ये आपका एक्चुअल. एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ 10 रुपीज पर मशीन आवर्स. इट मींस मशीन आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, मशीनार्स एक्सपेंस रिकवरी रेट 10 रुपीज पर मशीनार्स. एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 इट हैज बीन फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड वर 6 लैक्स.
6 lakhs. It included 45,000 on account of return of obsolete stores and 30,000 being the wages paid for the strike period. The production and sales data is finished goods 20,000 units, WIP 8,000, 50% complete. Sales ho gaya 18,000. The actual machine hours worked during the period is 48,000. पहले तो अपना जो फॉर्मेट है अपन उसी में जाते हैं, राइट? जैसे जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट टू बैंक 6 lakhs by recovery 48,000 into 10 4 lakh 80. लेकिन 120 को हम अंडर रिकवरी नहीं बोल सकते क्योंकि 120 इंक्लूड्स ऑब्सोल्यूट स्टोर्स, इंक्लूड्स ऑब्सोल्यूट स्टोर्स और वेजेस ऑफ स्ट्राइक पीरियड. इट मींस these are the expenses not related to overheads. It means by balance carried forward kitna hai is 120,000. isko hum under recovery nahi bol sakte kyunki iske andar some of the expenses debited not related to overhead. इसके अंदर ये जो 6 lakhs है इसके अंदर सम ऑफ द एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड्स है, इसके लिए हम इसको नहीं बोल सकते. सही है सर फ्रेंड, इसके लिए हम इसको नहीं बोल सकते. आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए. ठीक है, इट मींस दिस इज योर नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड्स आपका आ जाएगा. ओके, इट मींस द टोटल द बैलेंस इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड. आउट ऑफ दिस नॉट related to overheads and balance. ABC Limited manufacture a single product and absorb the production overhead at a predetermined rate of 10 rupees per hour. At the end of financial year 2016, it has been found that actual production overhead incurred was 6 lakhs. It includes obsolete stores is 45,000 and then wages is 30,000, 75,000. Balance is 120 minus 75 is 45,000. Say yes or no? 45,000. Out of this, kya bol rahe friends apne ko? The actual machine hours. It has been found that 1/3 of the under absorption production overhead due to the lack of production. It means this is your controllable loss due to lack of production planning. अगर आपने production planning में mistake किया है, it means this is your mistake. Okay? क्या बोल रहे हैं? इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू द
lack of production planning, one third of 45, this comes to 15,000, okay, and that 15,000 again goes to costing, profit and loss account. This is our own mistake. These are the expenses not related to overhead. Kahan chala jayega? Costing, profit and loss account. Okay. Balance is a uncontrollable loss. Uncontrollable loss ka kya nikalenge, friends? It means, what is the uncontrollable loss? Production plan, rest were at a normal increase in cost. Increase in cost. Increase in cost kitna ho jayega? It means 45 into 2 by 3. 45,000 into 2 by 3 is 30,000. Balance total 120,000, not related to overheads, and balance not related to obsolete stores and wages 45, 30, 75. Balance 45, controllable loss due to the lack of production planning, uncontrollable loss, increase in cost, one third of 45,000, 15,000 costing P&L account, 45,000 ka two third is a uncontrollable loss, increase in cost. Say yes or no. अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इज ए सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, बिकॉज दिस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस. ओके, सो व्हाट डू मीन बाय सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट? इट मींस सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट इक्वल टू योर अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल production. What is the under recovery? Under recovery is 30,000. What is the under recovery is 30,000 divided by what is the actual production? Now actual production is 20,000 is a finished goods and 8,000 ka 50% is 4,000. It means 30,000 divided by 24,000 is 1.25 per unit. Say yes or no. Supplementary recovery rate is a under recovery divided by actual production. Under recovery is 30,000, actual production 20, and 8,000 ka 50% 4, it means 1.25. Out of this 20, what is the breakup? And this is 4,000. It means units sold, then finished goods, then WIP. Units sold 18,000. Finished goods 4,000, finished goods 2,000, WIP 4,000 into 1.25 into 1.25 and 1.25. It means 18,000 into 1.25, 22,500, 2,000 into 1.25, 2,500, 4,000, 1.25, 5,000. Okay,
चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट। इट मीन्स आपका फिनिश गुड्स का जो वैल्यू है वो 2500 से बढ़ जाएगा, आपका WIP है वो 5000 से बढ़ जाएगा, और यूनिट सोल्ड है आपकी 22500 से हो जाएगा। ओके, यूनिट सोल्ड है आपका 18000 इंटू 1.25, फिनिश गुड्स है आपका 2000 इंटू 1.25, 4000 इंटू 1.25। सही आंसर होता है। इज दिस क्लियर और नॉट? परफेक्टली क्लियर होना। ओके, फाइनली ओके, व्हाट आर दे आस्किंग इन द क्वेश्चन? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर। तो अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, ओके, नॉट रिलेटेड टू, तो बाकी का जो बचेगा इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर एब्जॉर्ब्ड। ओके, एंड सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट मींस योर आंसर नंबर वन अंडर एब्जॉर्ब्ड इज 45,000, ओके, एंड देन सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट मींस costing P&L account debit, first accounting treatment आपका not related to overhead 75 and 15,000 due to lack of production planning, 75 costing P&L account debit, 15 then costing P&L account debit, ये कौन सा हो जाएगा आपका जो 22,500 फिनिश गुड्स डेबिट, WIP डेबिट इज 2500 टू फैक्ट्री ओवरहेड, 75 प्लस 15 प्लस 22,500 2500 प्लस 5000 इज 1,20,000। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर होगा। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, बताइए। कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ये आपका क्या था? नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड्स, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट, इट मींस दिस इज कंट्रोलेबल लॉस, दिस इज cost of sales. Okay, पहले मैं आपको क्वेश्चन 7 कराता हूं और फिर अपन आगे चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन 6 आपको बाद में कराता हूं, पहले मैं क्वेश्चन 7 करा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन 6 रिलेटेड टू मिसिंग फिगर है, लेकिन आई वॉन्ट कि एक बार और आपको थोड़ा प्रैक्टिस
करवा दूं। ओके, तो पहले आप प्रेफर करिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड पेज नंबर 18 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 3.9 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक से। यस, क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लीजिए फ्रेंड। स्वीट ड्रीम्स लिमिटेड यूजेज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन 7 पहले अपन ले रहे हैं। स्वीट ड्रीम्स लिमिटेड यूजेज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम एंड एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अमाउंट एक्चुअली स्पेंड 170, अमाउंट एब्जॉर्ब 150,000। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP, ये आपको दे रखा है। यूजिंग टू मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, सो द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अंडर ईच ऑफ द मेथड। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है आपका 170,000, आपने कितना खर्चा किया है, एक्चुअली स्पेंड किया 170, आपको रिकवर होके कितना आया है 150, और आपने पे कितना किया है, आपने पे किया है 170, इसका मतलब आपको लॉस कितना हो गया 20,000। पहले यहां तक क्लियर कर लेते हैं अपन ना। पहला, दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट टू बैंक 170 बाय रिकवरी 150 एंड बाय अंडर रिकवरी 20,000। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो? टू बैंक 170, राइट, देन बाय रिकवरी 150, बाय अंडर रिकवरी 20,000 एंड टोटल 170। ये आपका क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। अब आपको ये बताना है कि ये 20,000 का क्या करना चाहिए, राइट? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अमाउंट एक्चुअली स्पेंट 170 आपका हो गया, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड 150 हो गया, अब आपका ये। अब ये क्या बोल रहा है आपसे, यूजिंग द टू मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, सो द इम्प्लीकेशन ऑन द प्रॉफिट। इन लोगों ने दो पूछे हैं, अपन तीन मेथड दे सकते हैं। देखो, पहला मैं आपको तीनों एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अपन लिखेंगे। इफ कंट्रोलेबल लॉस, अगर ये लॉस हमारी खुद की मिस्टेक की वजह से हुआ है, इफ इट इज ए कंट्रोलेबल लॉस, पूरा की पूरा कहां चला जाएगा, चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 20,000। अगर ये हमको लगता है कि हमारी मिस्टेक की वजह से हुआ है, अगर ये हमारे मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो पूरा की पूरा जो 20,000 है, वो हम कहां चार्ज कर देंगे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और उसकी वजह से क्या होगा, आवर प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 20,000। हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, बाय 20,000। सही है, सुनो फ्रेंड्स, अगर हमको लगता है कि नहीं, दिस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस, हम क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, इट मींस योर अंडर रिकवरी 20,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन यहां पे क्या है कि जो आपको प्रोडक्शन दे रखा है वो रुपी टर्म्स में दे रखा है, जो आपको प्रोडक्शन दे रखा है वो यूनिट्स में नहीं है, वो आपको रुपी टर्म्स में, इसका मतलब 336,000 प्लस 96,000 प्लस
48,000. It means 336 plus 96 plus 48 is 480,000. 20,000 is a under recovery on 480,000. It means every 1 rupee पे आपका under recovery है 0416. 20,000 is the under recovery on the goods of 480,000. 20,000 is the under recovery. 20,000 is the under recovery on 336, 96 and 48. It means total 480 पे आपका 20,000 है. तो every rupee पे क्या है? अब 336 into 0.0416 वो तो P&L में चला जाएगा क्योंकि cost क्या हो गया है? Goods आपका sold हो गया. और इसका you increase the cost. ये तो finished goods है. ये WIP है. ये cost of goods sold है. जो goods sold हो गया वो P&L में चला जाएगा. जो sold नहीं हुआ है उसका you increase the cost. सही है सुनो. Perfectly clear. और third इन्होंने दो ही पूछे हैं. Third अपने को पूछा है कि if suppose इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये जो है उसका क्या होगा 336 into 0.0416 ये P&L account में चला जाएगा तो आपका P&L account उतने से कम हो जाएगा. Are you following or not? और इसका क्या हो जाएगा? You increase the cost. Finished goods का WIP का क्या कर दो आप? Increase the cost. तो आपका implication on profit क्या होगा? इतना amount आपका P&L account में debit हो जाएगा. Say yes or no, please. And third, वो बोलता है कि भाई पूछे दो ही method है लेकिन मैं आपको तीन बता दे रहा हूं. Third आपका क्या होगा कि if analysis is not possible, अगर आपका analysis possible नहीं है आप क्या करोगे? Then carry forward for next period. इसको क्या करेंगे? 20,000 it means to balance brought down 20,000. आपका balance brought down हो जाएगा 20,000. आपका balance हो जाएगा brought down 20,000. सही है सुनो. No implication on profit. तो मैं आपको तीनों का आपको बता देता हूं. मैंने ये सॉल्यूशन बुक में दिया भी है पेज नंबर 3.9 पे. सॉल्यूशन बुक में मैंने पूरा बराबर से दिया है. ओके तो आप बना लीजिए. इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग मेथड्स ऑफ डिस्पोजल disposal and implication on profit. Statement showing methods of disposal and implication on profit. Okay. सबसे पहला friends आप column बनाइए. Regions. First column regions. Okay. Second method of disposal. Methods of disposal. And third implication on profit. Implication on profit. First, if controllable loss charged to costing P&L account, okay. Profit will decrease by 20,000. If controllable loss charged to costing P&L account, profit will decrease by 20,000.
Number two. If uncontrollable loss, find out the supplementary recovery rate. It means your under recovery 20,000 divided by actual production means 336,000 is your cost of goods sold, plus 96,000 finished goods, given na friends, stock of finished goods and stock of WIP is 48,000. It means every 1 rupee पे आपका कितना सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 480,000 इज 0.0416 into 0.0416. It means 336 into 0.0416 is 14,000. 96,000 into 0.0416 is 40,000 and 20,000. ये हमारा कहाँ चला जाएगा? Costing, P&L account में, क्योंकि cost of goods sold हो चुका है, right? ये हमारा increase the cost 4,000 and 2,000. Sorry, this is 4,000 and this is 2,000. ये increase in the cost of finished goods, increase in the cost of WIP. It means your profit will decrease by 14,000. Means what is this? Statement showing methods for disposal and implication on profit. Reasons. First, if controllable loss charged to costing P&L account, profit will decrease by 20,000. If uncontrollable loss 20,000, 336 का goods बनाए बिक गया तो P&L account में चला जाएगा. 96 का अभी भी finished goods है, increase the cost of finished goods. And WIP, increase the cost of finished goods, profit will decrease by 14,000. Profit will decrease by rupees 14,000. Say yes or no, please. Third, क्या बोल रहा है? दो ही पूछे हैं उसने, अपने से दो ही method पूछे. तीसरा मैं आपको बताता हूँ. If analysis is not possible, third है आपका. If analysis is not possible. If analysis is not possible, then carry forward for next period. Carry forward for next year period and क्या हो जाएगा? No effect on profit. क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया? उसको carry forward कर दिया. तो उसका effect कुछ आएगा ही नहीं. अगर आपको लगता है कि पूरा की पूरा मेरी वजह से लॉस हुआ है, कंट्रोलेबल लॉस मींस व्हाट? लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक. तो पूरा की पूरा आपको कहां डालना पड़ेगा? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में. अगर आपको लगता है अनकंट्रोलेबल लॉस है तो फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट. और अगर आपको लगता है कि मेथड इज नॉट लाइक इफ एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, इफ एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल देन यू ट्रांसफर टू your no effect on profit. उन्होंने दो पूछे, मैं आपको एक्स्ट्रा में ये दे रहा हूं, आपको ये लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है. लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है, अगर वो बोलेगा what are the three methods, it means if the analysis is not possible then you transfer to costing P&L account. Say yes or no. तो इतना प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूं मिसिंग फिगर्स का इसी में. ओके, ऑलराइट.